एंड आज जो है वो मेंटी होने वाला है तो गाय मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी बच्चों को रिफ्रैक्शन तो आज क्लियर हो जाएगा है ना तो मैंने इसमें लेंस फार्मूला के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए हैं सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करी जहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस um, की बात करेंगे ठीक है दे वुड बी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पावर की बात करेंगे ठीक है एंड देर वुड बी द थिंग कहाँ इमेज बनती है कैसे इमेज बनती है ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग और आज के दिन ये, इसी चीज का हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू दी मैं ओके दैट इज इम्पोर्टेंट ठीक है बहुत जरूरी होता है बच्चों ठीक है गाइज दैट सो कूल एंड अब आपको क्या करना है अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताना है ठीक है कि आप लोग रेडी है कि नहीं तुरंत अभी क्या अभी मुझे सभी बच्चे बताएंगे यू ऑल आर रेडी फॉर दैट ठीक है है मेंटी होने वाला आई बी टेलिंग यू ऑल द थिंग्स जो भी होने वाला है और लेट्स सी आज का को okay? चलो, guys, code, CY10, और उसमें फ्लैट टेन परसेंट ऑफ आपको मिलने के लिए यू कैन यूज माई कोड ठीक है मैं अपना लिटिल एंट्रो दे देती हूँ अगर बच्चों को पता नहीं हो तो है ना तो का इज माई नेम इज शेर यादव आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स एंड आई बी टीचिंग यू नाइन्थ एंड टेंथ ठीक है तो आई विल भी कम्वरीट लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स दट इज सो कूल राइट बग्स बाउंड्री इज द इंपॉर्टेंट थिंग नाउ सी कोई भी इशू अगर आपको होता है ठीक है इफ़ यू फाइंड एनी इन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो देन यू कैन डेफिनेटली रिपोर्ट दैट ठीक है आप रिपोर्ट कर सकते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा यू आर एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट यू डिजर्व

और है टू डबल फाइव टू ठीक है गाइज मेंटी कोड मैंने आज दे दिया है अभी को चीज़ अभी बच्चों को ठीक है जब तक जो है हम लोग आम, देख लेते हैं यहाँ पर ओके सो गाइज हाउ टू आस्क अ डाउट देयर आपको कैसे आस्क करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप अन अकेडमी ऐप पर जाएंगे क्लिक ऑन आस्क अ डाउट ठीक है देन यू हैव टू टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम द गैलरी क्वेश्चन अपना चूज़ करो क्रॉप करो अपने क्वेश्चन को जो पूछना है एग्जैक्ट वही रखना है बाकी सब कुछ हटा देना है ठीक है सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड देन यू विल बी पोस्टिंग इट ठीक है एक बार में एक ही डाउट पोस्ट करो क्लियर इमेज होना चाहिए ठीक है टेक्स्ट हो तो अच्छा है तो इट इट इज इज गुड ठीक है उसके अलावा लिसन सी क्यू पूछ रहे हो अगर आप तो क्या करना है क्वेश्चन के साथ साथ फोर ऑप्शंस भी देने हैं ठीक है एंड अगर आप सब पार्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सिर्फ वही वाला सब पार्ट पूछो जिसके अंदर यू विल बी गोइंग टू गेट दी जस्ट दी सब पार्ट जिसके अंदर आपको डाउट होता है ठीक है बस वही पूछो अन अकेडमी आपके थ्रू ही आप ऐसा कर पाएंगे ठीक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स देख लेते गाइस मैंने दे दिया है दे दिया है मैंने हेलो यशस्वी हेलो रशी हेलो गेमिंग बॉस वाओ हेलो शीलू हेलो अपनी स्टडीज हेलो वैष्णवी ऑल राइट हेलो दीपा हेलो विकास तिवारी हेलो प्रिंस हेलो गुड गुड इवनिंग बेटा दीपा झा हेलो नवजैन हेलो विकास तिवारी ये डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल बी डू ठीक है हेलो नवजैन ऑल राइट ऑल राइट हेलो अंकिता थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑल राइट हेलो अनुज ठीक है गाइज हेलो प्रियांशु गुड इवनिंग हेलो अंकिता श्रीवास्तव मेंटी कोड तो मैं दे चुकी ना बेटा मेंटी कोड मैंने अभी अभी दिया है ठीक है हेलो अभिनव हेलो रोहन मेंटी कोड है एट जीरो फाइव सिक्स टू डबल फाइव टू ठीक है यस ऑफ कोर्स वैष्णवी ओ दैट्स क्वेश्चन ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट तो एक मिनट रुकना है ना मैं अभी इसको ठीक करती हूँ That's so cool, guys. Thank you for telling me. ठीक है मैं ठीक करती हूँ लेकिन उसके पहले तो तुम अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स देखो देन वी विल भी जुइंग इट क्विकली क्विकली और हाँ आज तो सरप्राइज भी है मेरे पास तुम लोगों के लिए ठीक है सो पहले वो तो बताए तभी तो हम मिनटी खेलेंगे। सो गाइज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स है यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम ठीक है अनलिमिटेड एक्सेस आपको सभी कोर्सेज का मिलने वाला है टॉप एजुकेटर्स ऑफ ऑल यानी ऑल ओवर द इंडिया यू विल बी गेटिंग ऑन वन प्लेस ठीक है एक ही प्लेस पे आपको ऐसा मिलने वाला है रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस वहाँ पे होंगे ठीक है दैट वुड बी गुड एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस वुड बी देयर मेंटरशिप एंड गाइडेंस वुड बी देयर स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट सीरीज बैच कोर्सेज सो मच मोर है ना So so you can see the pricing 3 months, 6 months, months There there. are so many months out there. Choose any month. ठीक है कोई भी आप इसमें से choose uh, कर सकते हैं but before choosing make sure that you go for the longer duration. Extra discount आपको वहाँ मिलता है ठीक है extra discount आपको वहाँ मिलता है, मिलता है that is a must thing. And अगर आप और टेन परसेंट ऑफ चाहते हैं तो यू कैन यूज माई कोड सी वाई वन जीरोडमी iconic सब्सक्रिप्शन के फीचर्स देख लेते हैं पर्सनल मेंटर मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पर्सनली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी राइट लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी आपके खुद की पर्सनलाइज पेरेंट कनेक्ट करेंगे आपके मैंटोर से स्टडी प्लानर आपको मिलेगा पर्सनलाइज एंड दैट इज सो कूल विद अलोंग विद ऑल द एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स आउट दर ठीक है सो थ्री सिक्स ट्वेल्व इतने सारे अलॉन्ग विद गो फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन गाइड एंड यूज माई कोच यू वन जीरो टू गेट द्रा टेन परसेंट ऑफ ठीक है यस yes, क्रिश आज तो मेंटी है बेटा आज तो मेंटी है आज क्रिश की मन की बिल्कुल पूरी हो चुकी है ठीक है गाइज अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं आई यू पे इन पार्स और यू जस्ट गेट दी थिंग लाइक वन पेमेंट अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं इट्स ऑन यू गाइस ठीक है जीरो कॉस्ट ई पर है ये सो यू विल नॉट बी पेइंग एनी एक्स्ट्रा थिंग ठीक है आपको सिर्फ वही पे करना है जितना आपने जो कोर्स चुना है ठीक है जितने मंथ का आपने किया है फ्री स्पेशल लाइफ जो क्लासेस होती हैं उसका मैं फीचर्स बता देती हूँ रियल टाइम इंटरेक्शन होने वाला है यूजिंग द चैट एंड द मोजीज क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं लाइव पोल ऑप्शन आपको मिलेंगे पोल लीडर बोर्ड में कंपीट कर सकते हैं ठीक है और हाँ क्विकली थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को ये ऑफर फिनिश होने जा रहा है बाय करते हैं फोर्टी परसेंट ऑफ देयर ठीक है फोर्टी परसेंट ऑफ आपको मिलेगा दैट इज इम्पोर्टेंट ये टैग यू ओर यू आर सो वेलकम क्रेश यस yes, प्रियांशु बस अभी कर रहे क्विकली पहले तुम्हें सबको सरप्राइज तो बता दू इट्स सो इम्पोर्टेंट आज का सरप्राइज भी तो है ठीक है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग आइज है ना तो देखो अब ये तो हम लोग को पता है भाई 29 अगस्त को तुम लोग का मेगा कॉम्बेट होने वाला है जहाँ पे टू करोड़ का स्कॉलरशिप मिलेगा ठीक है वो भी फ्री दैट सो कूल देर वो बी थर्डी क्वेश्चन देयर नाइन एन क्लासेस के लिए ग्यारह बजे होने वाला है सिक्स सेवन एथ क्लासेस के लिए बारह बजे होने वाला है और इलेवन ट्वेल्थ क्लासेस के लिए वन पी पे होने वाला है Go for it. Use my code CY10 there. Alright, so this is the surprise for you guys. This is the surprise. सिक्स सेप्टेंबर से वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाया एम सी क्यू सभी सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाले हैं आप लोगों की पूरी टीम तैयार है एस एस टी आपको ब्रजेश सर पढ़ाएंगे मैथ्स आपको विशाल सर जो है बताएंगे बायोलॉजी भूमिका मैम बताएंगी केमिस्ट्री ईशान सर बताएंगे फिजिक्स मैं बताऊंगी एंड कंप्यूटर साइंस आपको कृतिका मैम बताएंगी ठीक है so, सो आपकी पूरी प्रिपरेशन टर्म फर्स्ट की होने वाली है एम सी क्यूज होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है And 6 से जो है स्टार्ट होने वाला है कोर्स ठीक है सो इस कोर्स को अगर आपने कर लिया तो आपके टर्म फर्स्ट में नाइनटी परसेंट तक मार्क्स आ सकते हैं ठीक है एंड दैट इज कूल थिंग गाइज ये आप लोग डेफिनेटली इतना अचीव कर सकते हो जस्ट गो फॉर ठीक है ऑल राइट सो लेट्स लेट्स गेट अड एंड मेंटी जो है मैं देखती हूँ और तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई है ठीक है लेट मी जस्ट डू इट लेट मी जस्ट डू इट है ना अब नहीं आएगा अब तो फन वन आउट ऑफ सिक्स आएगा ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी पीपल ने ज्वाइन कर लिया है गाइज कोड इज एट जीरो फाइव सिक्स टू डबल फाइव टू and there is so much thing all right thank you so much वैष्णवी you helped me a lot oh thank you अंकिता hello पंकज hello रोहन hello प्रियांशु चलिए चलिए आज भाई कृष कृष के भी मन की हो गई पूरी भाई सिक्सटीन जो है यहाँ पे वो देखना चाहता था कि मेंटी कब होता है ऑल राइट right. हेलो आयुष हेलो अनुष्का हेलो वेदाश्री यस डेफिनेटली हैश टैग रूटी ये क्या भाई हेलो सुनील यस आयुष कन्केव कन्वेक्स पे भी क्वेश्चंस हैं ठीक है ऑल राइट ऑल राइट यस सुनील ने सबको कोड बता दिया है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस डेफिनेटली वी विल बी स्टार्टिंग ओके 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 सो वेलकम क्रेश अब तो मिल गया ना बच्चों सरप्राइज सभी को मिल गया है ना तो गाइस जस्ट गो फॉर इट है ना हेलो मिस्टर परफेक्ट फटाफट से मेंटी ज्वाइन करो बच्चा ठीक है यस यस नाउ जॉइन बस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है चलो बल्ले बल्ले मेंटी है मैम वेरी गुड दीक्षा इज सो एक्साइटेड ओ oh, कूल cool. ेश मैंने तो अभी क्वेश्चन भी नहीं दिखाया है हेलो अनिमे आलोक कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताती हूँ देखो आपको क्या करना है मेंटी डॉट कॉम पर जाना है आप अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे ना अपने फोन के वेब ब्राउजर पे जाएंगे गूगल क्रोम या फिर कुछ भी ठीक है उस पर जाएंगे मेंटी डॉट कॉम लिखेंगे एंड देन यू विल बी राइटिंग द कोड एट ठीक है आलोक एंटर करते ही तुम इसमें आ जाओगे ठीक है हेलो विभोर ऑल राइट सो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि 28 बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है वेरी गुड नफ जस्ट गो फटाफट जाओ ज्वाइन करो ठीक है हेलो विभोर प्रियांशु यस yes, डेफिनेटली अगर तुम प्रियांशु नाम से करोगे ना मुझे तभी पता चलेगा वरना पता नहीं चलेगा ठीक है तो स्टार्ट करे फटाफट स्टार्ट करे यस डेफिनेटली थर्टी स्टूडेंट्स यहाँ हो चुके हैं ऑल राइट वी आर गोइंग टू अच्छा पंकज यहाँ पे हर्ट है इज दैट 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 आर टू आई गॉट ओके ऑल राइट क्रिश को बहुत मजा आ रहा है गलती से देख लिया उसने है ना चलिए सो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन अब आपके सामने आ चुका है गाइज यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है ओके okay, प्रियांशु कैलकुलेट करना है गाइस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज थ्री बाई टू गिवन है आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास ये चीज आपको बतानी है बच्चा एंड दिस इज यू कैन ऑलवेज टेल मैंने तुम्हें बताया था ओके वैष्णवी वेरी गुड विभोर कौन सी आईडी बेटा कौन सी आईडी देखो आपको कोड चाहिए एट जीरो फाइव सिक्स टू डबल फाइव टू ठीक है विभोर आप जाएंगे मेंटी डॉट कॉम पे ठीक है मेंटी डॉट कॉम पे जाओ और वहाँ पे कोड पूछेंगे तो वहाँ पे लिखना है एट जीरो फाइव सिक्स टू डबल फाइव टू एंटर करते ही आप इस मेंटी में आ जाओगे ठीक है विभोर हेलो यशस्वी चलो 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 फटाफट जाओ वाओ, 26 बच्चों को पता था ये बात किसी ने तुक्के भी मारे हैं जिसको मुझे पता चल ही गया है ना मैम मेंटी स्टक फॉर मी फर्स्ट अरे वैष्णवी उसको वापस से रीस्टार्ट कर लो उसको ना रीलोड कर लो ठीक है रीलोड करने से भी हेल्प हो जाएगा ठीक है ऑल राइट अब अभिनव एक क्यू होगा बेटा हैश टैग होगा ये तो गलत बात है ना मैंने तुम्हें बताया था ना ये चीज बताया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया लेट्स वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू तो इसका ठीक अपोजिट होता है ठीक है अगर हम बोलते हैं कोई भी मीडियम लेट्स टू विद रिस्पेक्ट टू वन अगर मैंने अपोजिट कर दिया तो देर वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा ठीक है हेलो अपनी स्टडीज वेरी गुड आयुष यस डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है है ना अभी भी जाके सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो आए क्वेश्चन नंबर टू पर आए अपन लोग सो क्वेश्चन नंबर टू गाइस सब आपके सामने क्रेश अभी अभी करके बताओ तुम लेकिन ना अभी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ है ओके ओके ऑल राइट सो पीयूष यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट है ठीक है अक्षय सेकेंड नंबर वेरी गुड खुशी वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड फॉर द फोर्थ आयुष दीपा नमेश राइट वेदा अनुष्का वेरी गुड गाइज ओके दैट्स ओ कूल यस डेफिनेटली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वेरी गुड पीयूष दैट्स ओ कूल आर ऑन फर्स्ट है ना वेरी गुड नव जैन क्वेश्चन नंबर सो दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है ये अब आपके सामने आ चुका है अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हार्ड क्वेश्चन दिया ठीक है सिंपल पहले तो सिंपल पूछा था अब की बार मैंने इसको पूरा घुमा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ठीक है तो मतलब ये थोड़ा सा दिमाग वाला है थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है ठीक है ऑल right. राइट हेलो विजयदर्शनी गो विजयदर्शनी फटाफट से मेंटी ज्वाइन करो वेरी गुड वैष्णवी दैट्स सो कूल अच्छा अपनी स्टडीज कोई दिक्कत नहीं अभी फटाफट से ज्वाइन करो ठीक है चलो 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 ज्वाइन करेंगे ज्वाइन करेंगे ज्वाइन करेंगे ठीक है गाइज राइट सो अभी हमारे पास काफी कम समय बचा है ठीक है काफी कम समय बचा है और एवरीबॉडी एज बोटेड ऑसम ऑसम गाइज सो देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो सी ऑप्शन है ना ये तुम बच्चों को पता था मतलब कैलकुलेट किया अच्छे बच्चे हैं वो कैलकुलेट भी करेंगे और कुछ बच्चे तुक्का भी मारेंगे ठीक है वैसे मैं देख रही हूँ ने ए दिया आठ बच्चों ने बी दिया चार बच्चों ने डी दिया आर यू डूइंग कैलकुलेट इट ना नहीं नहीं वैष्णवी ए नहीं होगा सी ही होगा आयुष वेरी गुड यस यस सी इज दी करेक्ट आंसर बेटा ऑल राइट चलो यस वैष्णवी यू हैव डन दी करेक्ट ठीक है देखे जरा ऊपर नीचे कौन हुआ लेट्स सी अरे ओके सो पीयूष अभी भी सबसे ऊपर है वेरी गुड वैष्णवी वेरी गुड ऑन द सेकंड एंड शी वाज द फास्टेस्ट वल्ला हबीबी फ्रॉम अरब इज ऑन द थर्ड पोजीशन गुड गुर्जर फोर्थ है मोहम्मद आसिफ हुसैन वेरी गुड खुशी वेरी गुड आयुष वेरी गुड राम प्रताप सिंह वेरी गुड उत्कर्ष वेरी गुड आकर्ष वेरी गुड वेरी गुड गाइज जो आर ऑल टॉप टेन है ना अच्छा अच्छा यस वेरी गुड अक्षय ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पता है हाँ दीक्षा सारे के सारे क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव पे ही हैं ठीक है हेलो श्रेयस फटाफट से मेहटी ज्वाइन करो बेटा अक्षय um, देखो ये ऑनेस्टी है कि तुम अगर कैलकुलेट करके टाइम ले रहे हो तो ये तुम्हारी स्पीड इंक्रीज करेगा तुम्हें फायदा देगा ठीक है एंड इट्स वेरी गुड दैट यूर शोइंग ऑनेस्टी ठीक है चलिए आगे चले फटाफट से आगे चले ऑल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द मीडियम मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑफ द द लाइट ऑल ऑफ दीज देखते हैं ये कौन करेक्ट करके बताता है लेट्स सी हु इज ऑन द ठीक है ये चीज हम लोग को जाननी ही होगी ओ oh. वैष्णवी आर यूम्पटिंग गुड रोहन दीपा आयुष वैष्णवी आई गोट दैट बिटा बट वेरी गुड ऑफकोर्स एंड आई गॉट दिंग वेरी गुड गाइड मुझे काफी अच्छा लगा था ट्वेंटी पीपल डिट दी करेक्ट थिंग राइट वेरी गुड ओ वेरी गुड वैष्णवी दट गुड येस डेफिनेटली हैश टैग रूडी यू हैव गॉट दी करेट वेरी गुड श्रेयस श्रेयस मेंटी पे भी होना आप बेटा तो देखे कौन आगे कौन पीछे कौन अपनी पोजिशन बरकरार रखता है और कौन जो है देखते वेरी गुड सो देर आर टू फास्टेस्ट पीपल राम प्रताप सिंह और पीयूष वेरी गुड वैष्णवी स्टिल वेरी गुड वेल्ला वेरी गुड उत्कर्ष वेरी गुड आयुष वेरी गुड रोहन वेरी गुड वेदा आशीष श्रुति वेरी गुड गाइस। ओके अभिनव एक बार उसको रिफ्रेश कर लो वापस से आ जाएगा है ना जैसे जैसे कभी भी अगर ऐसा होता है ना गाइस तुम्हारे साथ फ्रीज हो जाता है तो उसको रिफ्रेश कर लो ठीक है रीलोड कर लो उसको ठीक है चलिए चले क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर अच्छा अच्छा दीक्षा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए गाइस यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश किया और मैंने तुम्हें सोचा कि थोड़ा बहुत ट्रिकी तो कर ही देना चाहिए तो मैंने इस क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है और पूछा हैेश बोल रहे हैं ए कोई दिक्कत नहीं बेटा वेरी गुड दीपा पॉइंट वैष्णवी श्रेयस आई एम फ्रॉम राजस्थान वेरी गुड सत्या वेरी गुड आयुष आशीष दीपा वेरी गुड तो गाय तुम लोगों ने ट्राई तो बहुत किया अभिनफ बेटा रीलोड करो रीलोड अरे दुखी मत हो बेटा वेरी गुड पीयूष वेरी गुड आयुष एंड गॉट द थिंग ट्वेंटी फाइव पीपल डिट द करेक्ट थिंग गुड में यही जानना चाहती थी देखो सी और डी में तो अंडर रूड था नो चैंस की वो करेक्ट होंगे और ए ऑप्शन में तो मल्टीप्लीकेशन था कैसे करेक्ट होगा क्रेश मुझे पता था तुमने यही आंसर दिया था हाना? ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को ना वेरी गुड अक्षय पीयूष वैष्णवी गुड रेहान वेरी गुड दैट्स ओ कूल गाइस एक बार अभी ना बंद करके उसको वापस से चलाओ ठीक है एक बार वापस पूरा शुरू से बंद कर दो ठीक है चलिए तो गाइस लेट्स सी द लीड अ बोर्ड एंड लेट्स सी कौन कहाँ है रेहान भी हो गए ओ थैंक यू आयुष दैट्स सो कूल ओके सो पियुष इज द फास्टेस्ट वेरी गुड अगैन ही वेरी गुड राम प्रताप वेरी गुड आयुष रोहन वेरी गुड वैष्णवी वेरी गुड आशीष कुमार वेरी गुड वल्ला वेरी गुड श्रुति दान्या वेरी गुड गाइस ओके क्रेज दैट्स सो कूल हेलो आर्यन आर्यन फटाफट से सो कूल आर्यन फटाफट से ज्वाइन करो मेंटी है ना बेटा चलिए फटाफट से आएंगे बच्चे एंड ज्वाइन करेंगे चलिए पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग ऑल राइट फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है रेहान कोई बात नहीं बेटा उसको रिलोड कर लो ये तो सबसे इजी पीजी क्वेश्चन है ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है अपनी स्टडीज नीट क्रैक करने के लिए पढ़ना चाहिए है ना ये तो कितना अच्छा है हेलो स्मार्टी हेलो आंशवी टेक वाह तुम लोगों ने आंसर दिए मोहित कुमार वेरी गुड वैष्णवी आयुष गुड वेरी गुड दीपा वेरी गुड क्रेश वेरी गुड गाइस सो यहाँ पे देखो चार अलग अलग बच्चों ने तो चार अलग अलग बच्चों ने क्या किया स्लैब लिया वो जो ग्लास स्लैब हमने पढ़ाता है ना तो ये जो ग्लास स्लैब था वो चार अलग अलग बच्चों ने लिया एंड उन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो रे है इंसिडेंट रे इमरजेंट रे इन लोगों को इन्होंने ड्रॉ करने का कोशिश किया चार अलग अलग आंसर आए टेल मी इज द करेक्ट ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज अहा बेटा हम लोग ने क्या सीखा था जो लैब होती है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडे सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है बेटा वो पैरेलल होती है दे आर पैरेलल ठीक है वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करती एक दूसरे से अरे डी नहीं होगा बेटा वैष्णवी फाइव मिनट्स आर ऑन क्विकली डू इट डूट मिनट्स नहीं होगा बेटा अच्छा अच्छा ओके ओके ऑल राइट ऑल राइट यस वैष्णवी बीस दी करेक्ट वन है ना स्मार्टी हैव यू जॉइन मेंटी यार oh, अभिनव yeah, तुम्हारे साथ सचमुच में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं बेटा डेफिनेटली रोहन मित्तल पूछे क्वेश्चन समझा दीजिए अरे रोहन बेटा देखो हमने क्या किया था जो रिफ्रैक्टिव हम लोग का वो था ना स्लैब जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे थे ग्लास स्लैब तो उसमें कुछ भी नहीं होता जैसे ही कोई इंसिडेंट रे एंटर कर रही है ना तो जैसे ही वो बाहर मतलब उस रे से गुजर के जब वो बाहर जाएगी तो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी है ना ये इंपॉर्टेंट चीज सीखना था ठीक है सत्या कोड जो है वो है एट जीरो फाइव सिक्स टू डबल फाइव टू ठीक है दिस इज दी कोड ठीक है प्रियांशु एक बार और ट्राई करो ना उसको क्लोज कर दो वापस से ट्राई करो ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स येस आयुष येस बिल्कुल सही ओके दैट्स वेरी कूल आर्यन ओके सो पीयूष इज द फास्टेस्ट वन राम ऑन द सेकेंड वन वेरी गुड आयुष थर्ड वेरी गुड वल्ला हबीबी फ्रॉम फोर्थ वेरी गुड उत्कर्ष वेरी गुड रोहन वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड ऋषिकेश वेरी गुड वैष्णवी वेरी गुड आशीष वेरी गुड गाइस आई एम गुड मिस्टर परफेक्ट यू चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं व्हाट इज अगला क्वेश्चन हेलो सुरभि कश्यप ओ अभिनव आई एम सो सॉरी फॉर दैट अच्छा ठीक है तो हम यहां पर तो कर ही सकते हैं ना चलो मुझे आंसर बताओ रे ऑफ लाइट को हमने Normally, जो है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास पे फॉल करवाया नॉर्मली तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा क्या वो वन एटी होगा क्या वो 90 होगा क्या वो फोर्टी फाइव होगा या वो जीरो होगा ठीक है देखिए कितने बच्चे जो हैं सही करते हैं ऑल राइट आयुष ने आंसर दे दिया गुड

क्योंकि देखो ये है ग्लास की सरफेस ये है इंसिडेंट रे जब वो पूरा का पूरा नॉर्मली जा रही है तो जीरो डिग्री हुआ ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमने ये चीज सीखा था कि जब कभी भी वो नॉर्मल जाती है तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो जीरो हुआ ना हुआ कि नहीं हुआ दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बेटा अनुराधा यस yes, मैं बता सकती हूँ बट नॉट राइट नाउ देखो अगले सेशन हम लोग ना टॉपिक वाइज सेशन रखेंगे तो तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा तुम मुझे वो टॉपिक वाइज बता सकते हो कि ये टॉपिक हम लोग वापस पढ़ना चाहते हैं ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते ठीक है ठीके? ऐसे हम लोग देखेंगे तुम लोग जो टॉपिक बोलोगे हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है बेटा ठीक है अनुराधा ठीक है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओ दैट्स दैट्स यार मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ना तुम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से कम से कम ये तो फेयर होना चाहिए था

यस आयुष आई विल बी डूइंग इट चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन अब आपके सामने है ऑल राइट वॉट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ये हमें बताना है क्या वो एंगल बिटवीन रिफ्लैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे है क्या वो एंगल बिटवीन रिफ्लैक्टेड एंड रिफ्लैक्टेड रे रे है क्या वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लैक्टेड रे है और क्या वो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे है ये मुझे बताएंगे अरे अभिनव मिश्रा ऐसा मत करना ओके बेटा राजेश देखो हम लोग का जो पूरा सिलेबस है वो तो कवर अप हो गया ठीक है आई मेंशनिंग यू हम लोग एक सेशन लेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दी सेशन आप वहां पे जो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस होगा ठीक है वो हम लोग सेशन कंडक्ट करेंगे ठीक है चलिए आर ए आई फ्रॉम कोटा बेटा ऑल राइट वेरी गुड अर्चना वेरी गुड आलोक कुमार वेरी गुड आयुष वेरी गुड मिस्टर परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओ वाओ सो एवरीबॉडी नोज एवरीबॉडी नोज दैट दी जो हमारा इमरजेंट रे होता है दैट इज दी इंसिडेंट रे एंड रे के बीच में जो हमारा एंगल होता है दैट इज द डेविएशन एंगल है ना ठीक है चले आगे ओ देख लेते हैं वही ऑल राइट सो यहाँ पे राम प्रताप स्टिल ऑन टॉप वेरी गुड आयुष सेकेंड पोजिशन वेरी गुड पीयूष थर्ड वेरी गुड ऋषिकेश ऑन फोर्थ गुड वल्लाह वल्ला गुड आलोक वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड क्लिपी वेरी गुड रोहन मित्तल वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड दैट्स कूल गाइज आई कैन सी सम न्यू नेम हियर है ना हेलो सबीर राजेश मैंने बताया ना मैं आपको बताऊंगी आपका पूरा सिलेबस आई विल बी डिस्कसिंग ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू गाइस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन किया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड का आपको बता दिया गया है तो अब तुम्हें बतानी है कि उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कितना स्पीड होगा लाइट का ठीक है देर आर फोर ऑप्शन ठीक है बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं सॉल्व करो, day, Damini. Damini, करो गुड डे दामिनी, दामिनी फटाफट से ज्वाइन मेंटी बेटा। राजेश मैंने बताया ना आई विल बी डिस्कसिंग बेटा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी वॉट विल बी द टर्म वन सिलेबस ठीक है क्या है मैं बताऊंगी पूरा डिस्कस करेंगे अभी मेंटी तो करो बेटा वेरी गुड आयुष री ले रिमेनिंग क्विकली क्विकली ट्राई टू डू सो आई थिंक आप सभी कैलकुलेट कर पाए एक मिनट के अंदर वेरी गुड सो गाइज आप लोगों को मुझे मुझे पता था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुलाइज सो इजी क्या होता है भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसमें हमको कैलकुलेट करना है स्पीड है ना सो गुड वेरी गुड अर्चना इसके लिए बेटा यू नीड टू फोकस ऑन मोर ट्राई टू सॉल्व ना लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो है ना हम लोग वैसे तो पूरे सेशन्स लेकर आएंगे बट वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट इन दैट ठीक है है ना तो वेरी गुड आयुष ऑन वेरी गुड गाइस राम प्रताप ऑन सेकंड वेरी गुड पीयूष ऑन थर्ड वेरी गुड ऋषिकेश वेरी गुड वेल्लाह हबीबी फास्टेस्ट वेरी गुड आलोक वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड एंड रोहन वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड गुर्जर वेरी गुड बहुत भी बढ़िया बात है यार चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन हेलो दामिनी दामिनी फटाफट से मंडी डॉट कॉम पे आप लोग आए और इसको ज्वाइन करें तो गाइज आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है ओ वेरी गुड आयुष दैट्स सो कूल पूरा आयुष ने तो सॉल्व भी किया है सत्या ओके वेरी गुड रोहन चलो गाइस अच्छा सत्या ने तो आंसर भी दे दिया आयुष ने भी आंसर दे दिया गुड वेरी गुड सो यहां पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर तुम्हें कोई रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए रियल एंड इनवर्टेड इमेज चाहिए वो भी सेम तो, साइज कहा होना चाहिए? है, क्या उसे पे होना चाहिए क्या उसे ट्वाइस ऑफ फोकस पे होना चाहिए फोकल लेंस सॉरी ठीक है क्या उसे फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में होना चाहिए या फिर अवे फ्रॉम द टाइस ऑफ फोकस होना चाहिए ओ oh. कोई बात नहीं वेरी गुड सो सिक्सटीन पीपल डिड द करेक्ट थिंग ओके देखें लीडर बोर्ड पे आए फटाफट वेरी गुड आयुष हेलो दिव्यांश आई एम गुड हाउ आर यू तो देखो यहाँ पे आयुष ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है वेरी गुड राम प्रताप सिंह वेरी गुड ऋषिकेश फास्टेस्ट वेरी गुड आलोक वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड रोहन वेरी गुड पीयूष वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड वल्ला अबी भी वेरी गुड गुर्जर वेरी गुड सो वी हैव ऑल द टेन पीपल हियर है ना अनुराधा बेटा यू कैन चूज एनी वन ठीक है तुम्हें तो हमेशा से मिलेगा ही मिलेंगे क्वेश्चंस ठीक है इसमें तो कोई इस तो दिक्कत की बात नहीं इनमें से कोई भी चूज कर सकते तो तो बहुत बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस के लिए दोनों ही अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं ठीक है थीके? जुन हेलो हव यू ओ दैट्स कुल दिव्यांश वेरी गुड इट्स आशिक ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा इन क्वेश्चन को यू कैन ऑलवेज ट्राइट आउट ठीक है वाइस भी रखेंगे गाइज ठीक है तो देखो यहाँ पे तुम्हें ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस दोनों का फोकल लेंथ माइनस का टेन सेंटीमीटर अब तुम मुझे बताओ कि मिरर कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा आयुष तुम्हारे सारे आंसर बी होते हैं क्या हाँ? वेरी गुड राम प्रताप वेरी गुड सत्या वेरी गुड आयुष वेरी गुड खुशी अनुराधा वैसे तो हमारी कली हुई थी जब हमने जो है देखा था अरे बच्चा लोगो अभी मैंने तुम्हें सिखाया था ना एक बात सिखाई थी ना मैंने तुम्हें कि हमको फोकस पे देखना है कि भैया ये जो फोकस है मिलेगा वो नेगेटिव की तरफ होगा या पॉजिटिव की तरफ होगा सिखाई थी ना ये बात मैंने है ना और दोनों कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो दोनों में नेगेटिव आता है फोकल लेंथ मैंने तुम्हें बताया था बेटा ऑल राइट सुरभि सुरभि देखो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे तो सिर्फ ये नाम दिखेगा ना जो यहाँ जिस आई डी से आप आए हो मुझे तो वही मैंशन होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा आप अनुष्का नहीं हो आप सुरभि हो सॉरी अनुराधा नहीं हो आप सुरभि हो ठीक है दैट इज द मेन थिंग ठीक है इस वजह से आई एम सो सॉरी फॉर दैट चलो आयुष इज द फास्टेस्ट वन एन ऑफ टॉप राम प्रताप वेरी गुड ऋषिकेश वेरी गुड अनुष्का रोहन प्रिंस आलोक पीयूष वल्ला गुर्जर गुड वेरी गुड गाइस चलिए अच्छा आयुष कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं All right, तो अब हमें बताना है अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो व्हाट वुड बी द पावर आपको फॉर्मुला यूज करना है जो मैंने पावर का फॉर्मुला सिखाया था ऑल राइट सो आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे अरे आयुष फिर से बी अह ग ठीक है सो यू हैव फोर हाफ डी 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 एंड है यस 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 अनुराधा मैं सचमुच में भूल जाती हूँ एंड आई एम रियली बैड एट

यस 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 चलिए देखें कौन है हमारे ऊपर नीचे भाविका वेरी गुड एंड प्लीज ज्वाइन मेंटी ठीक है ज्वाइन करो फटाफट से सो so, देर um, काफी अच्छा अच्छा है आयुष वेरी गुड राम प्रताप वेरी गुड ऋषिकेश फास्टेस्ट वेरी गुड सो अनुष्का रोहन प्रिंस आलोक गुर्जर नवजैन पीयूष वेरी गुड गाइस सो मेरे नवजैन को भी, भी देखा नवजैन वेरी गुड आर ऑन नाइन्थ पोजीशन चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आई ट्राई आई ट्राई माई बेस्ट सुर आई रियली ट्राई माई बेस्ट चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पर चले So, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है और पावर दिया हुआ हो वो भी माइनस का 2.0 डी तो क्या हो सकता है क्या वो माइनस का 2.0 मीटर होगा क्या वो 0.2 मीटर होगा क्या वो माइनस का 0.5 मीटर होगा या फिर 0.5 मीटर होगा ठीक तो है टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ना टाइम मैंने यहाँ ज्यादा दे दिया है मुझे टाइम कम देना चाहिए था वेरी गुड वेरी गुड आयुष की बार देखो वेरी गुड अर्जुन वेरी गुड सत्या वेरी वेरी गुड गाइस वेरी गुड सो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम जो है बच रहा है फो, अरे वाह वेरी गुड गाइस सो अब तुम्हें जाके फॉर्मुले का जो पावर का फॉर्मूला है वो तुम लगा पाए है ना पावर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ और मीटर में आपको ऑलरेडी दिया था चारों ऑप्शन मीटर में दिए थे तो इट वॉज खूल है ना गुड इवनिंग बेटा आर्यन को इजी पीजी लगता है ओके दैट्स सो कूल तो देखिए कौन है सबसे टॉप पर लेट्स सी ऑल राइट सो आयुष स्टिल ऑन ऑप स्टिल ऑन टॉप वेरी गुड राम प्रताप फास्टेस्ट वेरी गुड ऋषिकेशन थर्ड वेरी गुड अनुष्का रोहन प्रिंस आलोक गुर्जर नवजैन पीयूष वेरी गुड गाइस बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है ये सब लोग मेंडी छोड़ के रॉकबुल गेमर क्योंकि तुम लोग अच्छे हो ना वेरी गुड तो तभी बोलूंगी ना जब अच्छा अच्छा परफॉर्म करोगे जब सही करेक्ट आंसर दोगे तो वेरी गुड तो बोलना पड़ेगा ना बेटा हेलो श्रुति हेलो कृष्णा चलो मिनिमम डिस्टेंस पता करना है ना दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल मेंटी आज का जो पूरा मेंटी है ना उसमें सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन इज दिस वन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्मड बाय अ लेंस ये आपको जो है बताना है ठीक है बच्चे बोल रहे हैं ए सत्या ने तो बी बोला है सत्य ने ये भी बोला है ओके दैट्स गुड। अर्जुन वेरी गुड रॉक बुल वेरी गुड हेलो मोहिनी लेट्स सी। तो यहाँ पे जब मैंने बोल दिया हार्ड है तो मतलब सबने तुक्के मार दिए है ना सबने तुक्के मार दिए मतलब देखो ना दस बच्चों को गलत आठ बच्चों को गलत दो का तुक्का सही क्या बस बताइए चलो यस आयुष डी इज दी करेक्ट आंसर यस डेफिनेटली गाइज चलो अभी देखते हैं कौन है टॉप पर लेट्स सी किसको रिफ्रैक्शन सबसे अच्छा आता है आज पता चल जाएगा बेटा डी है सत्या आंसर डी है सत्या कैलकुलेशन करना होगा हमें ना लेंस फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे तुम लेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करो ठीक है उसको देखो तब पता चलेगा वहां पे आप क्या करना कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेना ठीक है इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना क्योंकि फोकल सेम रहेगा ठीक है तब आपको पता चलेगा व्हाट कैन बी द थिंग ठीक है मोहिनी डी है उसका आंसर बेटा ओके आयुष ओके आई बिलीव यू बेटा रोहन मैंने जस्ट तभी बताया ठीक है चलो अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन ठीक है ये वाला क्वेश्चन ना हम प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड करेंगे ठीक है ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को पूरा सॉल्व करके बताऊंगी ठीक है चलो चले आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर चलते हैं हम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं आज के विनर के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं ठीक है थीके? जल्दी हमें पता चल जाएगा कि आज का विनर कौन है तो बच्चों कहां पर इमेज सॉरी uh, कहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है कहां पर होना चाहिए की आपको रियल इमेज मिले इन्वर्टेड इमेज मिले और बहुत बड़े साइज की इमेज मिले ठीक है अगर आप कन्वेक्स लेंस यूज करते हो तो ओ सो वेलकम बिफोर मोहिनी मेरा जो सेशन है ना वो वन नहीं मॉर्निंग uh, में वन होता ओ इवनिंग oh, में नाइन ओ क्लॉक स्टार्ट हो जाता है ठीक है ऑल राइट मोहिनी ने ए आंसर दिया आयुष वेरी गुड क्रिएटिव वेरी गुड ए आंसर दिया ओके okay? रिजल्ट का मतलब हम लोगों ने क्या वो केसेस नहीं पढ़े थे जहां पे हमें हाईली एंड इमेज मिलता है हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलता है मतलब ये क्या था ये रिस्पॉन्स तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बेटा और यहाँ बच्चों ने मुझे ए दिया है और उसके बावजूद भी दिस इज दिस्पॉन्स ऑफ माई गॉड ये अनएक्सपेक्टेड था टोटली अनएक्सपेक्टेड हम्म अब यहाँ पे काफी जो है चेंज आ जाएगा ऑल राइट यस आयुष ए इज दी करेक्ट आंसर फोकस पे होगा तभी तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा और हाईली इन बनेगा राइट right? तो so, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो दी दी करेक्ट आंसर यस वेरी गुड सत्या आयुष यस भूमित बिल्कुल सही आप जो मुझे बता रहे हो ना फोर थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड दैट इज दी वेवलेंथ ठीक है द रेंज ऑफ वेवलेंथ है ना वेरी गुड आयुष अभी भी टॉप पर है अनुष्का वेरी गुड राम प्रताप वेरी गुड ऋषिकेश वेरी गुड प्रिंस आलोक रोहन गुर्जर नव और क्लिपी वेरी गुड चले आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन गाइस दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ठीक है कन्वेक्स लेंस इज दिस इज शेप ऑफ दिन सभी को शेप तो पता है ना प्लीज इसमें तो मैं फुल चाहती हूँ सारे बच्चों का आंसर करेक्ट होना चाहिए नमस्ते साहिल इसके अंदर मुझे सभी बच्चों का करेक्ट आंसर चाहिए कम ऑन इसमें तो हर कोई दे सकता है सत्या बेटा यू कैन ऑलवेज चूज देर आर वेराप्शन चूज द बेस्ट वन फॉर यू ठीक है ये मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे काफी सारे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं वेरी गुड अर्जुन वेरी गुड मोहिनी आलोक सत्य क्रिएटिव आयुष रॉकबुल करेक्ट आंसर यहाँ पे सिर्फ सभी बच्चों का एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए कमोन ये तो कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों को आता हो ठीक है वेरी गुड कृष्णा विभोर राम प्रताप आयुष यस यस रॉकबुल Very good vibhor krishna very good guys and please 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 oh very good lekin लेकिन ये एक बच्चा कौन था जिसको lagta लगता था भाई lens देखा नहीं था क्या तुमने बेटा वेरी गुड मुझे कम से कम ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लेकिन एक बच्चे ने जो है इस रिस्पॉन्स को उल्टा पुलटा कर ही दिया कोई दिक्कत नहीं है चलो ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन था ना दैट इज सो सिंपल ओके सो वेरी गुड आयुष राम प्रताप अनुष्का ऋषिकेश प्रिंस आलोक रोहन गुर्जर नाव क्लिपी वेरी गुड चलिए चलिए और आज के आज के उस मोमेंट पे हम चलते हैं जहां पर जहां पर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आज का विनर घोषित होने वाला है कुछ ही देर में आज का विनर घोषित होने वाला है बट पहले तुम क्वेश्चन करो ये लास्ट ठीक है चलिए अब मुझे बताएंगे क्या होता है इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है फाइनल रेस जब कन्वर्जिंग होती है क्या तब हमें रियल इमेज मिलती है इंसिडेंट रेस जब कन्वर्जिंग होती है क्या तब हमें रियल इमेज मिलती है इमेज जब वर्चुअल होती है कब जब कार्डिंग ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो इमेज जब वर्चुअल होती है जब Um, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज जो है वो वर्चुअल मतलब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज भी वर्चुअल ऐसा कुछ जो है हमारा डी ऑप्शन है है ना ये सत्या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑल राइट ऑल राइट सो आई गॉट दी रॉक बुल गेमर ने आंसर दिया वेरी गुड मोहिनी वेरी गुड कृष्णा रॉक बुल आयुष जीत स्टडी वेरी गुड अर्जुन वेरी गुड विभोर वेरी गुड अभिनव ने तो आंसर ही नहीं दिया ऑल 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 राइट 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 लेट्स सी ओके एट बच्चों ने आंसर दिया ओके okay, बेटा मैंने बताया था ना रियल इमेज तब बनती है जब एक्चुअली में रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद या फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं दैट वी कॉल द रियल इमेज और दैट इज वट वी कॉल ठीक है रियल इमेज वर्चुअल इमेज के केस में जब वो ऐसा लगता है कि वो कहीं मिल रही है बट एक्चुअली में नहीं मिलती ठीक है ये डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल को पहचानने का बेटा ओ वेरी गुड आयुष अभी सत्य समझ में आया अभी आया ना समझ में है ना अभी समझ में आया ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज है ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है अच्छा आज का विनर घोषित होने के पहले आज का विनर घोषित होने के पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ बेटा दैट की क्लास uh, टेन का जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होने वाला है ठीक है उसी टर्म फर्स्ट के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी वाया एम सी क्यू दैट इज सो इम्पॉर्टेंट ठीक है दैट इज अ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन सिक्स ऑफ सेप्टेंबर ठीक है छह सेप्टेंबर को स्टार्ट होने वाला है वो कोर्स ऑन प्लस डेफिनेटली अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर वो होने वाला है तो गाइज जस्ट गो एंड डेफिनेटली एनरोल योर सेल्फ इन दैट सेशन सो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स इन योर टर्म फर्स्ट मैंटी नहीं टर्म फर्स्ट मैंटी तो नहीं टर्म फर्स्ट एग्जाम जो आपके स्कूल में होगा बेटा ठीक है ठीक है, so मैं आपको वापस से बता रही हूँ यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ठीक है अगला कब होगा ये मैं तुम्हें ठीक है? So, सो आज का पहले देख तो ले आज का कौन है सो वेलकम मोहिनी सो आज के विनर है आयुष मौर्य कॉन्ग्रेचुलेश आयुष तो मैं ये कह सकती हूं कि भाई आयुष जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन के सबसे बेस्ट पर्सन है इन्हें अच्छे से रिफ्रैक्शन आता है ठीक है ये चीज मैं बोल सकती हूँ ही हैज डन वेल सो वेल ठीक है थर्टीन थाउजेंड सिक्स इनको मिले दैट्स सो कूल है ना डेफिनेटली आयुष इस तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे ठीक है डेफिनेटली यू विल बी इट वेरी गुड एंड मैं आपको बता देती हूँ कि अगला मेंटी कब होने वाला है ठीक है जरूरी है ये बात हमारे लिए बिल्कुल अगला मेंटी हमारा जो है आई थिंक कल ही होने वाला आई थिंक बट फिर भी मैं एक बार श्योर हो जाऊं ताकि मैं तुमको कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूं ठीक है मी जस्ट चेक इट राइट है अरे भैया इतना धीरे धीरे क्यों ओपन होता है कल कितना डेट है बेटा कल नाइन है ना संडे कल ओ oh yes कल तो मेगा कॉम्बेट भी है ना और कल है ट्वेंटी नाइन के लिए देख लेती हूँ पूरा मैंशन तो मैंने किया हुआ है, है ना मैंने तुम्हारे लिए सेशन बनाए हुए है ठीक है एंड देर वु यस कल पूरे लाइट चैप्टर का मेंटी होगा पूरे लाइट चैप्टर का कल मेंटी होगा गाइज

कल रात नौ बजे मिलेंगे फॉर नेक्स्ट सेशन ठीक है कल भी एक्चुअली यहां पर होगा मेन्टी ही ठीक है पूरे चैप्टर का होगा ठीक है सो गाइज यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड सी वाइ वन जीरो ऑफ देर ऑन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है अगर आप अभी अकेडमी ऐप Un को डाउनलोड करते हैं तो आप सभी फीचर्स को फ्री में ट्राई कर सकते हैं यूजिंग माई कोड सी वाइ वन जीरो देयर कोई डाउट तो नहीं रह गया है Next, कब से start, आप start करोगे. Kumar, ना कल हम लोग कर रहे हैं ना कल ही हम कर रहे हैं ठीक है uh, नहीं नहीं बेटा मुझे फाजिल नगर का तो नहीं पता ठीक है सत्या ऑल गाइज बाय टेक केयर